हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12 का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6 to 12 का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, इसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अपना टॉपिक कौन सा, कार्बन और उसके कंपाउंड्स चैप्टर था हमारा, और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कार्बन की विशेषताएं। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपको बोला था कि उसकी विशेषताओं के अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जिसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आपको पता है कि फाउंडेशन में जब पूरा आता है ना तो कहाँ से आता है कि पूरा, जैसे आजकल जो फाउंडेशन की तैयारी है वो 9th 10th उसी के हिसाब से करने लग गए ज़्यादा। तो उसके लिए क्या है कि 9th 10th का भी बेसिक होना अच्छा है, कि उसका बेसिक अगर आपका अच्छा है ना तो आप आगे की क्लासेस में जाओगे ना आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो इसकी क्या चल रही थी, कार्बन की विशेषताएं। कार्बन की विशेषताएं, ठीक है। कार्बन की विशेषताओं में अभी तक क्या पढ़ा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका ये सहसंयोजक बंध बनाता है, प्रूफ किया उस चीज को। अगली चीज यहाँ पे क्या कि जो कार्बन है ना उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। ओके, वो चीज़ प्रूफ करी। अब हम क्या पढ़ने वाले, पता है इसकी अगली विशेषता, अगली विशेषता इसकी ज्योमेट्री, ज्यामिति। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है और आपकी बोर्ड की क्लासेस हैं, तो इसलिए आपको पढ़ना बहुत ध्यान से है। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि यहाँ पे ना मैं आपको सिर्फ इसके साथ इनकी जो मतलब बेसिक पार्ट है ना वो रेडी करवाने के साथ ही यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी करवाऊँगा थोड़ा, है ना। तो पूरी कोशिश करूँगी मैं आपकी हेल्प करने की। तो जैसे हम बात करते हैं अगले यहाँ पे कि इसकी ज्यामिति पता है कैसे बोली जाती है, चतुष्फलकीय। कैसे बताई जाती है इसकी ज्यामिति, वो बताई जाती है चतुष्फलकीय। आप इसके अंदर देखेंगे कि चतुष्फलक जब बोला तो मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, है ना, क्या चीज होती है, बोल तो दी स्ट्रक्चर। तो पहले आप एक बात बताओ, कार्बन की संयोजकता कितनी बताई आपको, इसकी संयोजकता आपको बताया था ना कितने की शेयरिंग करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। तो वो क्या है, इसकी संयोजकता ही तो है कि बाह्यतम कोष में आपको डेफिनेशन बताए रखी है ना। देखिए कि अपने बाह्यतम कोष में, 9th की बात कर रही हूँ ना, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये कि जो परमाणु अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, त्यागता है या साझा करता है, ग्रहण करता है, त्यागता है या फिर साझा करता है, है ना, साझा करता है, वो क्या है, उसकी संयोजकता है। याद रहेगी ना, आपको पता है यहाँ पे जो पॉइंट्स आप पढ़ रहे हो ना सीधी व्याख्या, वो आपके 9th में आ चुकी है ऑलरेडी, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। देखो संयोजकता क्या, यानी कि कोई परमाणु अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या क्या करता है, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण ये देखो ऐसे लेते हैं ना अपन, चलो किसी को हक कर देते हैं उसको इसी तरीके से पकड़ते हैं ना, तो आप ऐसे याद कर लो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, गुस्सा आ जाता है, हटो मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और कोई ठीक ठाक मिलता है चल ठीक है
उसके साथ क्या कर लिया, साझा कर लिया, है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, त्यागता है या फिर साझा करता है, क्या होती है, उसकी संयोजकता होती है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, इसने बोला कि स्ट्रक्चर है इसकी चतुष्फलक की, तो ये कैसे अरेंज रहेगी, चारों संयोजकताएं चतुष्फलक पे। तो ये बोलता है कि ये चारों संयोजकताएं हैं और इसका वर्ड भी क्या है, चार फलक हैं इसमें भी, है ना। तो ऐसे बोल रहा है कि इसकी जो चारों संयोजकताएं होंगी वो एक चतुष्फलक जो बोला है ना इसको, उस चतुष्फलक के चारों कोनों पर, ठीक है, चारों कोनों पर प्रेजेंट रहेंगी। ओके, ध्यान रहेगा ना कि उसकी सारी संयोजकताएं कहाँ पाई जाएंगी, चतुष्फलक के चार कोनों पर। देखो जैसे जैसे ये कार्बन है, ये क्या हो गई, चलो हाइड्रोजन का आप एग्जाम्पल, CH4, ये हो गई ना सारे संयोजकता, एक दो तीन और ये चार। तो चारों संयोजकताएं कैसी हो गई, ये यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट हो गई, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है इसके ज्यामिति के अंदर, कि ज्यामिति आपने बताई चतुष्फलकीय, तो उस चतुष्फलकीय के अंदर इसी तरीके से क्या रहते हैं, ये अरेंज रहते हैं, ठीक है। आप बता सकते हैं इतना, पहले तो इतना समझ में आ गया ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा पढ़ाई हुआ कैसा लगता है, और हमारे इस क्वालिटी एजुकेशन के इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आप वीडियो को लाइक करोगे शेयर करोगे, उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। बट उसके लिए पहले आपको सभी वीडियोज को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर। सो आप कीजिए सब वीडियोज को लाइक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। देखो आगे बात करते हैं कि ये अब आगे बोल रहा है चतुष्फलक। अब थोड़ा इस चतुष्फलक को देख ले कि क्या है, है ना। बोल दिया हमने समचतुष्फलक। इसकी बात करें, देखो इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि हमने बोल दिया, लेकिन यहाँ पे पता है एक्चुअल में किस तरीके से, यहाँ पे एक्चुअल में चार त्रिभुजाकार फलक होते हैं, पता है फलक है चार, लेकिन कैसे त्रिभुज के आकार के हैं वो चारों फलक। हमने बोला है समचतुष्फलक इसको, कि चार त्रिभुज के आकार के क्या पाए जाते हैं, फलक प्रेजेंट होते हैं उसमें से। ये एक को जैसे हम बता रहे हैं ना, ऐसे जैसे इसको छोड़ो यहां से, जैसे इसकी स्ट्रक्चर को हमने इस तरीके का दिखा रहे, दिखाने के लिए बताया मैंने आपको कि इसमें क्या किया जाता है, कि एक को तो क्या मान लिया, आधार मान लिया, और फिर उसके तीनों कोनों है ना, उसको एक शीर्ष पर क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, है ना। एक को आधार मान लिया और तीनों के शीर्ष को क्या कर दिया, मिला दिया। एक को माना आधार, ओके, और फैक बजो बच गया कितने, टोटल चार तो थे, तो तीन कोनों को क्या कर दिया, एक शीर्ष। ये यहां पे देखो, है ना, यहां पे क्या बोला कि उनको क्या कर दिया, एक शीर्ष पर मिला दिया। ओके, तो यहां पे इस टाइप का फलक बनता है जो क्या बन गया, त्रिभुजाकार है। बताइए यहाँ पे आप बेस मान के करोगे तो यहाँ पे आराम से आएगी ना ये चीज। तो तीन त्रिभुजाकार क्या बनते हैं, फलक बनते हैं। तो इसी तरीके से ये पूरी जो ज्यामिति है ना, थ्री डायमेंशनल, किस तरीके से क्या बोलते हैं इसको, इसको चतुष्फलक बोलते हैं। इस त्रिविम ज्योमेट्री को कौन सी ज्योमेट्री बोलते हैं, टेट्राहेड्रल।
चतुष्फलक, ठीक है, क्लियर है इतना कि इसको हम क्या बोलेंगे, चतुष्फलक बोलेंगे। तो ये किसकी बात हो गई, इसकी ज्यामिति से रिलेटेड बात हो गई कि इसकी ज्योमेट्री अगर आप बोलते हो तो क्या होती है, इस टाइप की होती है। अगली विशेषता देखें, इसकी ज्योमेट्री आपसे पूछता है तो इंपॉर्टेंट चीज है क्या, किस टाइप की होती है इसकी ज्यामिति, चतुष्फलकीय होती है। ओके, अगला इसकी विशेषता लेते हैं, अगला आता है बॉन्ड एंगल। किसकी बात कर रहे हैं, बॉन्ड एंगल, बंद कोण, समझते हैं ना बंद कोण। देखो जैसे ये बोल दिया ले भाई कार्बन ले ले और ले, है ना, ये किसी भी तरीके से आप यहाँ पे अरेंज देख सकते हो इसको, ये लो। तो यहाँ पे ये क्या है, इसी को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बॉन्ड एंगल लिखते हैं, है ना, क्या लिखोगे, बॉन्ड एंगल। तो बंद कोण की अगर बात करते हैं तो इसको कहते किस, मतलब क्या कहते हैं, बंद कोण किसको बोलते हैं, है ना। तो दो जो निकटवर्ती बंद है ना उनके बीच का कोण क्या बोलेंगे, दो निकटवर्ती बंधों के बीच का कोण क्या है, वो कोण बॉन्ड एंगल है। तो निकटवर्ती जो बॉन्ड है उनके बीच का एंगल। अब आपको पता है यहाँ पे बॉन्ड एंगल का मान कितना बचाया जाता है, पता है, 109 डिग्री 28 मिनट, याद रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट। किस तरीके से अरेंज है स्ट्रक्चर में, कौन सी, समचतुष्फलकीय, अब तो नहीं भूलोगे ना, समचतुष्फलकीय स्ट्रक्चर है। और किसकी मेनली, ये देखो क्या दिख रहा है ये आपको, मेथेन, क्या है, मेथेन। तो आपको आ गया ना समझ में कि यहाँ पे कोण कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, ये तो याद रखना पड़ेगा बॉन्ड एंगल का मान, क्योंकि अभी तक बॉन्ड एंगल का कोई जिक्र किया क्या हमने, कुछ ही चीज का जिक्र नहीं किया। तो बॉन्ड एंगल का क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल की अगर बात कर देते, 109 डिग्री 28 मिनट है, समचतुष्फलक इसकी संरचना है क्या होती है, मैंने बता दिया आपको, त्रिभुज के तीनों कोणों को एक को आधार मान के शीर्षों को मिला दिया। ओके, बाकी की प्रोसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पूरा रिवाइज होना चाहिए क्योंकि आपका टेस्ट लिया जाएगा, फिर उस टेस्ट में आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके चलिए, और फिर आपका आज का क्वेश्चन देते हैं आपको, आपका आज का क्वेश्चन पता है क्या रहेगा, आपका आज का क्वेश्चन ये है कि आपको एग्जाम्पल देना है अर्धचालक का, चालक बता दोगे, कुचालक बता दोगे, एग्जाम्पल बताओ अर्धचालक का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कम्प्लीट सिलेबस करवाऊँगी, और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है, पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं। लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज, और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।